फाइनली दोस्तों, जिस तरह से हमारे हाईवेज एक्सप्रेसवे में फेंसिंग का काम किया जाता है, सेम उसी तरह की फेंसिंग टेक्नोलॉजी अब रेलवे ने भी अपना ली है। इस वीडियो में आप देख सकते हो, इनफैक्ट काफी तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। अश्विनी वैष्णव जी ने खुद ये वीडियो शेयर की है। नाउ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट तो डेफिनेटली कम है ही कंपेयर टू नॉर्मल कंक्रीट वॉल, लेकिन इसके अलावा ये हम काफी तेजी से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। अभी ये फिलहाल आप जो वीडियो देख रहे हो, ये मुंबई अहमदाबाद वाला कॉरिडोर है जहां वंदे भारत काफी बार कैटल से टकरा गई थी और फाइनली अब ये फेंसिंग का काम तेजी से शुरू है। 622 किलोमीटर ये पूरा लंबा फेंसिंग का काम किया जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, मई 2023, जी हाँ, इसी साल मई के महीने में ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। वहीं कॉस्ट की बात करें तो बहुत ही कम, जस्ट 245 करोड़ रुपीस पड़ेगी हमें इस पूरे कॉरिडोर के लिए। नाउ जिस तरह से हाईवे में हम यहाँ पर स्टील बीम्स यूज करते हैं, लगभग उसी तरह के डब्लू बीम्स जो कि स्टैंड करते हैं व्हाइट फ्लेंज के लिए, ये काफी ज्यादा थिक भी होते हैं और पूरी तरह से बेंड स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बेसिकली एक तौर से इसका सोल्यूशन दिया था कि आप हाईवे टेक्नोलॉजी में जैसे यूज करते हैं हम फेंसिंग, वो आप रेलवे में लो और देखो फिर एक्सीडेंट्स यहाँ पर बहुत ही कम हो जाएंगे। सो फाइनली लग रहा है कि रेलवे ने सीरियसली लिया है और तेजी से हम बाकी के कॉरिडोर्स में भी इसी तरह की फेंसिंग लगाएंगे। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।